केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज सुबह अलवर पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भर्तरी बाबा धाम में जाकर ढोक लगाई। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में चुनाव जीतने का मन्नत का नारियल बांधा था। उस मन्नत के नारियल को जगन्नाथ मंदिर के पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा खुलवाकर पूजा अर्चना करवाई गई। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा, मैं अलवर का ही हूँ, मुझे अलवर के विकास के लिए कार्य करना है। आज पूरे दिन व्यस्त कार्यक्रम से पूर्व देव दर्शन कर अलवर की खुशहाली की कामना की। मंदिर महंत द्वारा केंद्रीय मंत्री यादव को चांदी का श्रीफल भेंट करके सम्मान किया। यहां से निकलने के बाद अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद अलवर सांसद क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा पानी की समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। आज प्रातः 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर सुभाष चौक में भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री ने पधार कर जो मन्नत का नारियल बांधा था उसको खोला, और दूसरा राजस्थान में खुशहाली के लिए और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की जो सरकार चल रही है अच्छे ढंग से चले इसके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी से कामना करके नारियल बांधा, नया नारियल बांधा। और भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मेला भरता है उसमें 18 जुलाई को मेले के अंदर जरूर पधारूंगा, क्योंकि अब मैं अलवर का ही हूँ और मेरे को अलवर के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। जय जगन्नाथ। मंदिर की तरह से क्या भेंट किया गया? भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने भूपेंद्र यादव जी को चांदी का श्रीफल भेंट किया।